नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ बंका। डॉक्टर साहब लंग्स के एक्सपर्ट हैं, लंग्स और सांस संबंधित बीमारियों के एक्सपर्ट हैं, तो इनसे आज जानेंगे कि स्मोकिंग कैसे लाखों की संख्या में लोगों को लील रहा है, लाखों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। स्मोकिंग कैसे छोड़े हम, स्मोकिंग की आदत को कैसे हम छोड़ें और इनसे छुड़वाने में कैसे लोगों की मदद करें, तो डॉक्टर साहब इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद हमारे चैनल में। तो धन्यवाद। लोगों को ये बताइए, स्मोकिंग जल्दी छूटता नहीं है, कहते हैं जो एक बार आदत पड़ जाता है तो सुट्टा मारेंगे, 4, 5, 10, 12 कुछ कुछ तो डब्बे डब्बे पी जाते हैं। और ये जो WHO की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि सिर्फ स्मोकिंग से ही लाखों की संख्या में मौत हो रही है पूरे विश्व में। तो सबसे ये बताइए जो इसके कारण क्या है, मतलब स्मोकिंग क्या एक लत के रूप में कैसे लोगों में विकसित हो रहा है। देखिए, स्मोकिंग का कारण, स्मोकिंग की आदत पड़ने की दो सबसे मुख्यतः कारण जो मुझे लगता है कि है, एक तो उसके अंदर एक केमिकल होता है निकोटीन, जो आपको उसकी आदत डालती है, जिसे निकोटीन का इफ़ेक्ट में आपको अच्छा लगना, एक अच्छी फीलिंग आनी, गुड वेलबींग की फीलिंग आनी, तो अच्छे मूड का होना, ये सब होना, तो ये एक आपको क्या होती है कि आप बार बार पीते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको तो आपको उसकी धीरे धीरे कि भाई ठीक है, अब मुझे आदत पड़ने लग गई है, और वो ऐसा चीज़ है कि जब आप उसको छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत भी पैदा करेगी, तो वो एक आपको आदत पड़ जाती है। दूसरा जो है वो है स्टाइल या टशन, आप जो भी कहें उसको, कि भाई हाथ में कुछ रखना अपने आप को, मतलब कि स्मोकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, मतलब कि भैया आप यो लग रहे हैं आज के दिन में, इन थिंग या स्वैग कहो या जो भी कहो, वो होना। तो देखिए, स्मोकिंग छोड़ना मुश्किल चीज़ नहीं है, बशर्ते कि इंसान चाहे। अगर आप नहीं चाहेंगे, जो स्मोक कर रहा है वो नहीं चाहेगा, तो स्मोकिंग देखिए कोई भी नहीं छुड़ा सकता। हाँ, अगर वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आज के दिन मेडिकली मैं या हम एज अ फिजिशियन उनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, हमारे पास अब काफ़ी ऑप्शंस हैं जो उनको स्मोकिंग छोड़ने में मदद कर सकती है। तो पहला चीज़ है कि उनका बोलना कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, दूसरा आप हमारे पास आएँ, अगर आपको आदत है तो हम आपको ज़रूर स्मोकिंग छोड़ने में मदद कर सकते हैं। हमारे पास कुछ एक दवाइयाँ हैं, कुछ एक मेडिकेशंस हैं जो धीरे 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 आपको स्मोकिंग छोड़ने में मदद करेगी। स्मोकिंग छुड़वाने में तो आप मदद कर देंगे, लेकिन जो छोड़ना ही नहीं चाहते, स्मोकिंग एक कहते हैं जो मुझे लत ही लग गई है, अब मुझे बिल्कुल कुछ, लेकिन उनके परिवार वाले आपके पास लेके आते हैं इनको इनको मतलब आपको छुड़वाना, ठीक करना है डॉक्टर साहब, तो क्या फोर्सफुली भी किसी को मतलब इसमें आप ठीक करवा सकते हैं कि या किया जा सकता है? देखिए, अब डेमोक्रेसी है, आप ज़बर ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते, वो तो जाहिर सी बात है। जब तक आदमी इंसान खुद से नहीं चाहेगा, अगर वो मैं हमारे कितने ही बोलने के बाद, दवा देने के बाद भी जाकर अगर स्मोक करता रहेगा, तो बल्कि उसको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे फ़ायदे के ज़्यादा, उसको हो सकता है नुकसान ज़्यादा हो जाए। जैसे अब स्मोकिंग छोड़ने के लिए कई सारे मेडिकेशंस हैं, एक सबसे उसमें कॉमन होता है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं कि स्मोकिंग की जगह हम उसको निकोटीन का दूसरा माध्यम दे देते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो क्रेविंग होती है निकोटीन के वजह से, वो क्रेविंग उसको नहीं होगी, पर अगर वो मान लो हम उसको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं और वो जाके स्मोक भी साथ साथ कर रहा है, तो फिर बॉडी में तो एक्स्ट्रा निकोटीन जाएगा ना, तो वो उसमें उसको हार्म ज़्यादा कर सकता है फ़ायदे की जगह। तो स्मोकिंग सेशन थेरेपी हम लोग तभी शुरू कर सकते हैं कि जब बंदा सामने खुद वाले से से, भी स्मोकिंग छोड़ना चाहेगा। तो आप लोग एडिशनल जो देते हैं निकोटीन, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? नहीं, देखिए, निकोटीन का जो साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट तो उसका भी रहेगा, बट हाँ, इसमें हम लोग का प्लान होता है, ऐसा नहीं कि हमने दे दिया छोड़ दिया और लेते रहो। आइडिया ये होता है कि पहले तो स्मोकिंग से छुड़ाना है, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर निकोटीन के अलावा, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 5,000 6,000 से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स और होते हैं, तो निकोटीन पर से आपको इफेक्ट नहीं करता, ये जो 4-5 हज़ार कंपाउंड्स जो आप ले रहे होते हो वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो एटलीस्ट जब हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं तो हम 4-5 केमिकल कंपाउंड्स को हटा दिए, अब वो आपके शरीर में नहीं जा रहा, अब सिर्फ निकोटीन आपके शरीर में जा रहा है। उसका भी प्लान ये होता है कि शुरू में जब, चूंकि आप तुरंत छोड़ते, तुरंत आपको जब हम निकोटीन देते हैं तो आपको ज़्यादा तलब होती है, फिर धीरे धीरे हम उसका डोज, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ च्युइंगम्स या टैबलेट जो भी आप ले रहे हैं उसको हम लोग कम करना शुरू करते हैं, और फिर ये 12 से 12 हफ्ते, 24 हफ्ते, इन सब ड्यूरेशन के अंदर हम लोग धीरे धीरे
उसको भी धीरे धीरे निकोटीन को कम करते जाते हैं, धीरे धीरे कम करके फिर बंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही हमने सब कुछ बंद कर दिया। तो अमूमन कितना वक्त लग जाता है एक पेशेंट, अगर पेशेंट भी मान ले जो नहीं मुझे छोड़ना है, जिनकी तलब लग चुकी है, जिन्हें अब मुझे सिगरेट तो छोड़ ही देना है, अब मुझे आगे नहीं करना है, और आपके पास आ भी गया हो, तो आप कितना वक्त लेंगे उसको पूरी तरह तरीके से? देखिए 3 से 6 महीने तो देखिए लगते हैं, जिसमें हम लोग उनको मेडिकेशन पे रखते हैं, और उसके बाद म्यूचुअल एक डिसीजन के बाद ही हम लोग मेडिकेशन को बंद करते हैं। देखिए स्मोकिंग कोई क्योर नहीं होता है, स्मोकिंग का तो आदत है, उसे छुड़वाना होता है, तो वो कोई बीमारी नहीं है पहली बात। बट हाँ, चूँकि आदत पड़ जाती है तो उसे हम लोग डिपेंडेंसी बोलते हैं, तो फिर उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्यों छोड़ने में दिक्कत होती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि उसमें जो केमिकल होता है, जो मेनली मैं पहले भी बता चुका हूँ कि निकोटीन एक केमिकल है जिससे आदत पड़ती है, जो आदत पैदा करती है। तो जब आप स्मोकिंग बंद करते हैं तो फिर आपको, चूँकि आपको उसकी आदत हो चुकी है और शरीर को उसकी आदत हो चुकी है एक्स्ट्रा लेने की, तो जब वो नहीं मिलता है तो शरीर में आपको जो हम लोग कहते हैं तलब होना, तो उसको विड्रॉल सिम्टम हम लोग कहते हैं। और उसमें क्या होता है, वो इरिटेबल रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसका वेट बढ़ेगा, और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो उसको, मतलब इरिटेबल, एंग्जाइटी, बहुत सी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इसी के लिए उसको फिर से होता है कि नहीं मैं पीऊँ, मैं सिगरेट पीऊँ या मैं निकोटीन लूँ। तो ये आदत को हमें बेसिकली जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो हम इस विड्रॉल सिम्टम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि पेशेंट्स को ये विड्रॉल सिम्टम ना आए। अगर वो नहीं आएगा तो उसको तलब नहीं महसूस होगी, तलब नहीं महसूस होगी तो वो स्मोकिंग करना छोड़ सकता है। तो बेसिकली हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस होता है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 2 तरह के डॉक्टर हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। एक तो चेस्ट फिजिशियन है, जाहिर सी बात है, दूसरा साइकेट्रिस्ट होते हैं जो डी एडिक्शन के स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनके पास भी जा सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे देश में इतना तो नहीं है, बट अगर आप विदेश विदेश में जाएँ तो उनके तो स्मोकिंग हेल्पलाइन होते हैं जहाँ आप कॉल कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। काउंसलिंग होती है, ग्रुप काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग्स होती हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। हर डॉक्टर का सिर्फ इतना कहना कि आप स्मोकिंग छोड़ दो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कोई मरीज आपके पास आता है जो स्मोक कर रहा होता है, आप लोग उसको बोलते हो तो उसके जो छोड़ने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। बाकी अब मैं अगर दवाइयों पे आऊँ तो दवाइयों में हमारे पास 3-4 ऑप्शन अवेलेबल है। एक जो सबसे कॉमनली जो आप TV पे भी देखते होंगे, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो बहुत कॉमनली एक च्युइंगम के फॉर्म में निकोटेक्स या निकोटीन के च्युइंगम्स होती हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। इसमें भी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, पैच होता है, च्युइंगम होता है, नेहलर होता है, लॉजेंजेस होते हैं, और सबका अपना अपना एक तरीका होता है ट्रीटमेंट देने का। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा आदत है, आपको कितने सिगरेट्स पर डे आप पीते हैं। जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है कि सुबह उठते ही कितनी देर में आपको सिगरेट की ज़रूरत है। अगर आपको आधे घंटे के अंदर आप सिगरेट पीते हैं सुबह उठते ही, तो इसका मतलब आपको आदत पड़ चुकी है, और उनका इलाज डिफरेंट तरीके से होता है। बस जो दूसरे हैं उनका इलाज फिर बेसिकली डोज का फ़र्क होता है कि हमें उनको कितना रिप्लेसमेंट करना है। तो एक हो गया निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक दूसरी एक दवाई होती है जिसे वर्निसलिन नाम का होता है, जिसे एक बहुत कॉमन भाषा में चैम्पिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका भी 12 हफ्तों का एक कोर्स होता है जो आपको दवाइयाँ लेनी होती हैं, जिसके साथ अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहें तो आपको मदद करती है। तीसरे एक दवाई होती है ब्रुप्रोपियन, जो बेसिकली डिप्रेशन में भी मदद करती है और स्मोकिंग सीजेस में भी मदद करती है। तो हर किसी का अपना अपना एक इंडिकेशन है, और हम लोग पेशेंट के साथ बैठ के डिस्कस करके फिर डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम इन दोनों दवाइयों को साथ साथ भी दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को पहले तो कितनी आदत है, उसकी कितनी इच्छा शक्ति है, और वो छोड़ना चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता है। ये भी बताएं, ये युवा, बुजुर्ग और प्रौढ़, और आज तो टीनेज भी मतलब स्मोकिंग पर मतलब फुल फोकस कर रहे हैं, और स्टाइल के तहत हर मतलब आ रहे हैं स्मोकिंग मुझे करना ही करना है। कॉलेज में स्कूल गोइंग बॉयज और गर्ल्स इन दिनों उनकी उनको लत लग चुकी है, तो उनके लिए भी सेम थेरेपी देते हैं या उनका मतलब टीनेज वालों के लिए कुछ अलग होगा, मतलब इन सब चीज़ों से थोड़ा हटके क्या हो सकता है? नहीं, मोटा मोटी देखिए ट्रीटमेंट एक ही होता है। जैसे मैंने कहा कि हर दवा का अलग अलग अपना साइड इफेक्ट हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है, तो वो इंडिविजुअल ही होता है, कि ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही थेरेपी सबको देना है।
जैसा मैंने कहा कि वो डिपेंड करता है कि आपको पहले तो कितनी आदत है, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसा बीमारी नहीं जिसमें हम ये चीज़ दें तो उसका हार्मफुल इफेक्ट हो, तो वो पेशेंट टू पेशेंट हमें असेस करना पड़ता है, हम उसके बाद ही कोई भी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे जो स्मोकिंग किस तरह पूरी तरह की लत से छूट सकते हैं, आप जो इन्होंने बताया कई सारे उपाय को बताया, कैसे दवा इन्होंने बताया, जो स्मोकिंग की लत अगर आपको लग चुकी है तो इनसे आप निजात पा सकते हैं, ये कोई अब बहुत बड़ी बात नहीं रही, इन्होंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत सारे दवा बताए हैं, तो आप एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें और अपनी लत को छुड़वाएं और अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब, इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, अपने सवाल को ज़रूर भेजें, आपके सवालों का जवाब हम एक्सपर्ट से लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।